यूपी के बुंदेलखंड जैसे पिछड़े क्षेत्र में रोजगारों को बढ़ावा देने के लिए सूबे की सरकार ने हमीरपुर जिले में इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया, जहां पर विभिन्न प्रकार के उद्योग धंधों को बढ़ाने के लिए 31 बाहरी इन्वेस्टरों ने हिस्सा लिया और 10 करोड़ रुपए से ज़्यादा का इन्वेस्ट करने का इरादा जताया। वहीं इस कार्यक्रम के दौरान चित्रकूट धाम मंडल के कमिश्नर, DIG सहित जिले के आला अधिकारी मौजूद रहे। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 10 से 12 फरवरी के बीच में लखनऊ में होनी है। उसी के क्रम में प्रत्येक जनपद में इन्वेस्टर समिट कॉन्क्लेव किया जा रहा है। इस चित्रकूट धाम मंडल बांदा का ये दूसरा जनपद है आज जहाँ पर इन्वेस्टर समिट आयोजित की गई। इसमें कुल 32 इन्वेस्टर्स आज भाग लिए हैं, जिसमें 5310 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आया है। सबसे बड़ा इन्वेस्टर हम लोग SGVN से आए हैं। SGVN एक गवर्नमेंट कंपनी है आपकी, और हमारे प्रोजेक्ट हाइड्रो में इंडिया का सबसे लार्जेस्ट हाइड्रो हमारा है नाथपा जाती, और अभी हमारा रिसेंटली हम लोग सोलर में कर रहे हैं, इंडिया का लार्जेस्ट सोलर प्रोजेक्ट। और इसके अलावा हमारा देश में क्या थर्मल में भी है, हाइड्रो में भी है, सोलर में भी है, और हम लोग इवन देश में ही नहीं आपका विदेश में नेपाल भूटान यहाँ भी हमारी प्रेजेंस है। और अभी हमारा जो यूपी इन्वेस्टमेंट हुआ 1100-1200 के आसपास अप्रॉक्सीमेटली जो हम ग्राउंड पे लेके आए, ऐसा हमने हम